सो गाइज, अगर आप अपने चैनल को अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके चैनल पर कोई नया व्यूअर आता है तो आपके चैनल के होम पेज, प्लेलिस्ट और अबाउट सेक्शन को देखकर ही समझ जाएगा कि आपका चैनल आखिर किस कैटेगरी पर है, जिससे उस नए पर्सन को जो आपके चैनल पर पहली बार विजिट किया है उसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी वीडियोस से, आपके चैनल से, और वो आपसे अच्छे से कनेक्ट भी हो पाएगा। से अगर आप एक क्रिएटर हैं तो इनडायरेक्टली आपको या मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर उन्हें आपका चैनल और कंटेंट काफी ज्यादा पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब भी करके जाएंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने चैनल को अच्छे से कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको सिंपल सा क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके उसे डेस्कटॉप साइट पर इनेबल कर देना है। सेम टू सेम लैपटॉप की तरह चलने लगेगा। फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। आप ऊपर सबसे देख सकते हैं कि हमें 3 ऑप्शन मिल जाता है, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। तो हम सबसे पहले बेसिक इन्फो को समझते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहां से अपने चैनल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने चैनल का नेम अभी नहीं चेंज करते। आप नीचे देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि अबाउट सेक्शन, हमारे चैनल पे जो अबाउट सेक्शन है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि हमारे चैनल का जो मेन चैनल का अबाउट सेक्शन है वही डिस्क्रिप्शन है। तो आप जो लिखेंगे आपके अबाउट सेक्शन में वही शो होगा। तो फिलहाल हम अपने डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन में लिख लेते हैं। हम सिंपल सा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल सा इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ऐड लैंग्वेज का एक ऑप्शन है। मुझे नहीं पता ये क्या है, आप भी सर्च कर लेना क्या है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं चैनल यूआरएल का एक ऑप्शन है। चैनल यूआरएल पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पर आप जा करके देख सकते हैं वो वाली वीडियो। उससे आप समझ जाएंगे कि चैनल यूआरएल क्या है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है हमें लिंक का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये लिंक क्या है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे वो मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं ये बता देता हूँ क्या है। आपको स्क्रीन पर मेरा चैनल दिख जाएगा। चैनल दिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का एक लिंक है, जो कि उस लिंक पर हम अपनी सोशल मीडिया की लिंक ऐड कर देंगे तो वही यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगी। अबाउट सेक्शन में भी आपकी लिंक शो होने लगेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिंक हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप लिंक डाल देते हैं अपने इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की, तो आपके अबाउट सेक्शन में वो लिंक शो होगी। आपको आई बटन पे इसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के अच्छे से सीख सकते हैं इसे। फिर थोड़ा सा जब हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फो का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं, मतलब बिजनेस ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी से आपका चैनल है वो वाली इसमें ईमेल नहीं डालना है, आपको एक बिजनेस ईमेल डालना है जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मेन चैनल पर कि ये कैसे शो होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो डिटेल का एक ऑप्शन है। यहाँ पर बिजनेस इंक्वायरीज़ है, मैंने ईमेल लगा रखी है। जैसे ही व्यू ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे हमारी ईमेल शो होने लगेगी। तो आप भी अपनी ईमेल को ऐसे ही लगा सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी ईमेल इसमें ऐड कर देता हूं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद ये सारी सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ब्रांडिंग पर। क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं बैनर इमेज का एक ऑप्शन है। बैनर इमेज क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे चैनल का जो बैनर है कुछ इस तरह का शो होगा, आप देख सकते हैं वही चैनल बैनर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सेक्शन चैनल बैनर है। आप वहां से चैनल बैनर लगा सकते हैं। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल चैनल बैनर एक लगा है, हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जहां अपना चैनल बैनर बना के रखे होंगे वहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल बैनर लग चुका है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको पिक्चर यानी अपने यूट्यूब चैनल का लोगो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपना यूट्यूब चैनल का लोगो लगा सकते हैं। फिलहाल पहले से लगा, इसे रिमूव करेंगे।
रिमूव करने के बाद आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना लोगो सिलेक्ट कर लेना है। लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां सेंटर में भी अपना लोगो रख सकते हैं। आप जैसे भी बनाए होंगे आप यहां से इसे मैच कर सकते हैं, कैसे कहां क्या रखना है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको एक वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वीडियो वाटरमार्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप YouTube पर कोई भी वीडियो चलाते हैं तो आप कॉर्नर पर एक देखते हैं कि सब्सक्राइब का बटन लगा होता है वीडियो में, वही है वीडियो वाटरमार्क। आप यहां देख सकते हैं कि एक छोटा सा वीडियो वाटरमार्क है। जैसे ही आप कर्सर यहां पर ले जाएंगे सब्सक्राइब करने का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। हम इसे अपने चैनल पर सेट करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम एक वाटरमार्क ले लेंगे सब्सक्राइब का। डन पर क्लिक करने के बाद हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है एंड ऑफ स्क्रीन और दूसरा कस्टम स्टार्ट टाइम, नीचे है इंटायर वीडियो। पहले का मतलब यह है कि जब आपकी वीडियो खत्म होगी तब ये वाटरमार्क शो होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तब वाटरमार्क शो होगा। आप यहां से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि मेरा वाटरमार्क कब शो हो, एक मिनट पर, दो मिनट पर, आप ऐसे भी रख सकते हैं। सबसे नीचे का ऑप्शन है कि इंटायर वीडियो, आपकी सारी मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की वीडियो में आपका ये लोगो वाटरमार्क लगा रहेगा। तो फिलहाल आपको इंटायर वीडियो पे ये लगा रहने देना है। फिर आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम लेआउट पर क्लिक करेंगे। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो स्पॉटलाइट का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं कि चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवेंट सब्सक्राइब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो वीडियो लगाएंगे, कोई भी व्यूअर आपके चैनल पर पहली बार आता है तो उसको ये पहली वीडियो दिखेगी। उसके बाद अगर आपके चैनल पर दोबारा आएगा तो वो वीडियो नहीं दिखेगी। जैसे मैं आपको अपने चैनल पर दिखा देता हूँ। सही चैनल आपका कोई ओपन करेगा, होम पेज पर आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा तो आपको ये वाली वीडियो दिखेगी। इस तरह की आप कोई भी वीडियो अपने चैनल की लगा सकते हैं। अगर व्यूअर पहली बार आता है तो उसको ये वीडियो दिखेगी, उसके बाद दोबारा ये वीडियो नहीं दिखेगी उसे। तो इसे सेट करने के लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप जो चाहे अपने चैनल की वो वाली वीडियो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाली वीडियो लगा लेता हूँ। वीडियो लगाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, इसका मतलब ये है कि जो व्यूअर पहली बार आएगा उसको तो ये वाली वीडियो दिखेगी, लेकिन जब वो दोबारा आएगा तो जो आप यहाँ ऐड किए रहेंगे वीडियो वो उसको दिखेगी। तो हम फिलहाल ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि फीचर्ड सेक्शन का एक ऑप्शन हमें मिल रहा है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भी कोई नया व्यूअर आपके चैनल पर आता है, आपके होम पेज पर आता है, तो जब वो थोड़ा सा स्क्रॉल करता है सबसे पहले तो आपके चैनल का ट्रेलर दिखता है। अगर वो दोबारा आता है तो उसको आपका फीचर्ड वीडियो दिखता है। अगर वो आपके चैनल पर तीन चार बार आता है या बार बार आता है तो आप जब इसे कस्टमाइज किए रहेंगे फीचर्ड सेक्शन को, तो आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो को सबसे पहले लगा सकते हैं, फिर उसे अपनी प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आप अपने अपलोड्स को लगा सकते हैं। जैसे ही आप सेट किए रहेंगे उसे वैसे ही शो होगा, जिससे हमारे चैनल पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाता है उसे, अगर चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं फीचर्ड सेक्शन का एक अलग ट्यूटोरियल लाऊंगा जो कि अगला वीडियो होगा। आप वो वाली वीडियो देख करके ये पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी सारी सेटिंग रहेंगी सब सेव हो जाएंगी और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका अपना चैनल बैनर दिखेगा, फिर लोगो दिखेगा। आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो आपका अपना फीचर्ड वीडियो दिखेगा या ट्रेलर वीडियो दिखेगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपका अपना पॉपुलर अपलोड्स दिखेगा, फिर अपलोड्स दिखेगा, फिर प्लेलिस्ट आपकी दिखेगी। फिर आप अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अपना डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो आपने सेट किया होगा। आपकी अपनी ईमेल आईडी दिखेगी जो आपने उसमें डाल रखी होगी। आपकी लिंक दिखेगी, सोशल मीडिया की लिंक दिखेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।